गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्राफ्ट करेंगे क्योंकि इंडिपेंडेंस डे आ रहा है। उसके लिए हम क्राफ्ट में जो सीखेंगे वो हम आप जो बनाओगे वो हम स्कूल में चिपकाने वाले हैं। ओके, तो टॉपिक नेम इज़ कॉलाज। काउंस में हम अपना कॉलाज में अपना नेशनल फ्लैग बनाएंगे। ओके, ये आपको बुक के अंदर नहीं बनाना है, अलग से A4 साइज़ का पेपर लेना है, उसमें फ्लैग को ड्रॉ करना है। मैंने फ्लैग को 12 सेंटीमीटर का फ्लैग उसकी विड्थ रखी है और स्टैंडिंग में भी 10.5 जैसा हो है, उसका 3 पार्ट कर दिए हैं। और अब उसके अंदर मैं ऑरेंज कलर, ग्रीन कलर ऐसे कॉलाज चिप करूँगी। कॉलाज यानी कि जो कोई भी पेपर का हम हाथ से जो टुकड़े करते हैं, जैसे ऐसे टुकड़े करते हैं और उसको हम अपने तरीके से अच्छा दिखे वैसे चिपकाते, उसको कॉलाज बोलते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ऐसे फेविकोल अच्छी तरह से लगा दूंगी ऑरेंज कलर करने के लिए, और ये जो टुकड़े हैं उसको मैं ऐसे अच्छी तरह से सेट कर दूंगी। आपने फर्स्ट स्टैंडर्ड में भी मैंने बटरफ्लाई करवाया था कॉलाज का, ऐसे ही आपको ये भी कॉलाज ऐसे ही करना है। फ्लैग जो हम टुकड़े चिपका रहे हैं वो फ्लैग से बाहर नहीं जाना चाहिए। ओके, जितने छोटे टुकड़े होंगे उतना फिनिशिंग अच्छा आएगा। ओके, ऐसे ही आपको पूरा ऑरेंज कलर करना है और नीचे की साइड ऐसे टुकड़े करके हमें नीचे की साइड ग्रीन कलर फिल करना है। मैं आप लोगों को कंप्लीट करके फोटो भेजूंगी। ओके, ओके, आपको ऐसे ही पूरा कंप्लीट करना है और बीच में कोई
कोई भी आप चीज से सर्कल ड्रॉ कर सकते हो या सीधा कर सकते हो, तो आप सीधा भी कर सकते हो। मैं ऐसे ही सीधा सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ। और बीच में अशोक चक्र ड्रॉ करना है। ओके, अब जो जगह बाकी है वहाँ पे हमें कलर फिल करना है। ओके, और स्केच पेन से हमें यहाँ पे ऐसे बर्ड उड़ते हुए दिखाना है। आपको मैंने ये आधा छोड़ दिया है, आपको कंपलसरी पूरा करना है। मैं भी आप लोगों को पूरा करके फोटो सेंड करूँगी। ओके, ओके, आपको ऐसे ही कंप्लीट करके A4 साइज के में पेपर में बनाना है। अगेन मैं बोल रही हूँ कि A4 साइज में बना के मुझे ये पेपर 15 अगस्त से पहले सबमिट करना है। ओके,